हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव. लेट्स अटेंड टू टुडेज करंट अफेयर क्विज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021. सो द आंसर हियर वुड बी लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल. इस थीम का बेसिकली ये मतलब है कि जो भी हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी हैव टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर. आज इन कोरोना वी सॉ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इटली एंड सम ऑफ अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, उन्होंने कैसे सफ़र किया. उनके पास डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो के भी उन्होंने उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाए. इसीलिए द कंट्रीज व्हिच आर डेवलपिंग एंड अदर कंट्रीज जो भी डेवलपिंग फेज में है, जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, उनको क्या करना होगा, उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना होगा. उसी के ऊपर बेसिस करके ये थीम बनाया गया है कि लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड एंड इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. आंसर वुड बी बी. ओके, तो ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन दिसंबर 12. दिसंबर 12 दिसंबर के दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज़ बेसिकली यूएन का एक अपना जो यूएन का ऑब्जर्वेशन है इन द हेल्थ सेक्टर. ठीक है, एंड इस साल का जो थीम है बेसिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट न्यू कैलेडोनिया. आइलैंड टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया रिसेंटली वोटेड टू स्टे पार्ट ऑफ व्हिच कंट्री. यहाँ पे जो न्यू कैलेडोनिया कंट्री है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका मैप. ये है न्यू कैलेडोनिया. न्यू कैलेडोनिया बेसिकली पैसिफिक ओशियन में प्रेजेंट है एंड ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये भी आपको मिलेगा. यह है ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलेगा. यहाँ पे इसका जो नॉर्थ ईस्ट में है, ये न्यू कैलेडोनिया है. बेसिकली ये फ्रांस का एक टेरिटोरी था. इसमें एक रेफरेंडम हुआ था कि इसको फ्रांस का जो अथॉरिटी है उसको रिमूव करने के लिए इसमें एक रेफरेंडम किया गया था. लेकिन 96% ऑफ द पीपल वोटेड इन फॉर ऑफ फ्रांस. वो बोले कि फ्रांस के अंडर ही हमें रहना है. 96% पीपल फ्रांस के अंडर रहने के लिए राजी हो गए. तो इसीलिए न्यू कैलेडोनिया जो है वो फ्रांस के अंडर ही रहेगा. ठीक है, ये एक आइलैंड टेरिटोरी है, फ्रांस का एक ओवरसी टेरिटोरी है. ठीक है, एंड सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इट विल बी फ्रांस. ठीक है, ओके. ये जो इलेक्शन जो भी रेफरेंडम किया गया था, ये यूएन के ऑब्जर्वेशन के अंडर किया गया था. ओके, इसको आपको याद रखना है. उसके बाद क्वेश्चन है कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के ऊपर. कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच कंट्री. वी नो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट को पायनियर करने वाला कंट्री है यूएसए. जैसे कि कंपनी हो गया स्पेसएक्स, जैसे कि जेफ बेसोस का कंपनी हो गया ब्लू ऑरिजिन. यहाँ पे पायनियर हुआ था कमर्शियल स्पेस फ्लाइट को. तो यूएसए वुड बी द कंट्री जहाँ पे कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग प्रोग्राम ये है. प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ यूएसए ओनली. ओके, सो यहाँ पे हम आंसर देख सकते हैं. ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है ना, यूएस का जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया है, जो कमर्शियल स्पेस विंग है उसको उसको बोला है कि द एस्ट्रोनॉट नॉट विल बी रिकॉग्नाइज्ड. जो कमर्शियल विंग के जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा. एंड ये उनके जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने नोटिस दे के कहा है. उनका जो ये एविएशन है, कमर्शियल एविएशन, इट इज़ रेगुलेटेड बाई ए एक्ट कॉल्ड कमर्शियल स्पेस लॉन्च एक्ट ऑफ 1984. ओके, इसको आपको याद रखना है. स्पेशली आपको याद रखना है कि कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग प्रोग्राम ये यूएसए के साथ रिलेटेड है. ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन फॉर आज पर द अपडेटेड डीआईसीजीसी एक्ट. अकाउंट होल्डर कैन एसेस देयर इंश्योर डिपॉजिट अमाउंट विद इन डैश डेज. तो इसका आंसर होगा, मुझे नहीं पता है, लेट्स सी. इसका आंसर होगा 90 डेज. ओके,
सो 90 डेज, विदिन द 90 डेज दो जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन होगा वो आपको पैसा दे देगा। मैं समझाता हूँ ये क्या सिस्टम है। बेसिकली हम अगर बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करते हैं वो डिपॉजिट इंश्योर नहीं होता है। अगर बैंक फेल हो जाए, बैंक क्राइसिस में चला जाए, बैंक को लॉस हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, उस बैंक का जो जो भी मनी हम बैंक में रखे थे दैट विल बी लॉस्ट। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करता है, जो DICGC एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया है, उसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये कंपनी आपको क्या करेगा, ये आपको जो भी आपका पैसा है उसको इंश्योरेंस इंश्योर करेगा एंड आपके जो भी पैसा लॉस हुआ है उस बैंक में वो आपको लौटा देगा। ठीक है, इसका अभी लिमिट पहले से 1 लाख था, अभी लिमिट को 5 लाख कर दिया गया है एंड इसको 90 डेज के अंदर आपको वो रिटर्न कर देगा। अभी जो लिमिट है उसको, आपका जो भी पैसा लॉस हुआ है जिस भी बैंक में, उसको 90 डेज के अंदर ये रिटर्न कर देगा। गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट 1300 करोड़, इसमें अभी इन्वेस्ट किया है एंड पे किया है 1 लाख डिपॉजिटर को। ठीक है, सो बाकी बहुत सारे मतलब ऐसे डिपॉजिटर्स हैं, बाकी 3 लाख डिपॉजिटर को अभी पे करना बाकी है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बक्सा टाइगर रिजर्व, वेयर रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये वेस्ट बंगाल होगा आंसर। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल पे है। ये आप बक्सा टाइगर रिजर्व का मैप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न टेरिटोरी जो भूटान से बॉर्डर शेयर कर रहा है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर दो दो तीन नदियाँ, तीन चार नदियाँ पास होती है, संकोस हो गया, जयडक हो गया, जयंती हो गया, ये सब नदियाँ पास होते हैं। जो बक्सा टाइगर रिजर्व न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो अभी जो बंगाल टाइगर है, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, यहाँ पे स्पॉट हुआ है। मतलब रॉयल बंगाल टाइगर बहुत दिन बाद यहाँ पे देखा गया है। 1998 में उसको पहले देखा गया था, अभी 1998 के बाद जब कैमरा सर्वे किया गया तो बक्सा टाइगर रिजर्व में एक बंगाल टाइगर अभी दिखा गया है। तो इसीलिए बक्सा टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ द 15th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये पहला एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में, उसके बाद 1992 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया। ओके, नेशनल पार्क का स्टेटस कौन देता है, स्टेट देता है, ये आपको याद रखना है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व का जो इतना जो ये है आपको याद रखना है, उसके अंदर जो भी नदियाँ पास होते हैं उसको याद रखना है। इसके पास एक हिल रेंज होता है, उसको बोलते हैं सिंचुआ हिल रेंज, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्विज, आप इसको अटेंड कीजिए एंड कितना क्वेश्चन राइट रॉन्ग हुआ मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ओके।